अच्छा बहुत अच्छी वॉइस है। ऋतिका बोल रही है आकाश ने नजर लगाई है। क्या आकाश ऐसा है? चलो बैक टू स्टडी। ठीक है, अब आज मन लगा के पढ़ना। कल तुम लोग जो सो सो के पढ़े हो ना, मैम को भी नींद आने लगी थी। जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, चलो। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है बेटा? ड्रिफ्ट मतलब होता है सडनली। ड्रिफ्ट मीन्स क्या होता है? सडनली। तो जब एनवायरमेंट में क्या आता है, आपका सडन चेंजेस आते हैं किसी स्मॉल पॉपुलेशन में, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक वर्ड और बोला जाता है, सीवर राइट इफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको? और क्या बोलते हैं इसको? और सीवर राइट। ठीक है, चलो। ये है कि आपका सडन चेंजेस आ जाते हैं इन स्मॉल पॉपुलेशन। कहाँ पे आएंगे? एक छोटी सी पॉपुलेशन की जब हम बात करें, और उसमें क्या आ जाए, एकदम से सडन चेंजेस आ जाए, तो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सडन चेंजेस इन स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, क्या है यहाँ पे? सडन चेंजेस हो रहा है। अब अगर हम बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट की, तो दो टाइप के इफेक्ट शो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आर देयर? देयर आर टू टाइप ऑफ इफेक्ट्स। पहला क्या होता है आपका? फाउंडर इफेक्ट। पहला इफेक्ट कौन सा होता है? फाउंडर इफेक्ट। और दूसरा कौन सा होता है आपका? बॉटल बोतल नेक इफेक्ट, है ना? लगती इसको बॉटल नेक क्यों बोलते हैं? जो बॉटल होती है आपकी, ठीक है, रू अफजा वाली, सबने देखी होगी, है ना? अभी तो सबके घर में होगी इस टाइम पे। तो रू अफजा वाली बॉटल में अगर क्या डाल दो, काफी सारे बीट्स डाल दो। ठीक है, काफी सारे क्या करो, बीट्स डाल दो, और उसको ऐसा उल्टा करो, तो क्या होता है, उस नेक में से थोड़े से ही क्या होंगे, आकर के निकलेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? जब अगर उसको ऐसे उल्टा करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा पॉपुलेशन ही क्या हो जाएगा आपका, बाहर आएगा, है ना? जो आपने बीड्स डाले हैं वो थोड़े से अमाउंट में बाहर आएंगे, बाकी आके रुक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, केवल थोड़ी सी पॉपुलेशन होती है, और अगर उस थोड़ी सी पॉपुलेशन में भी कोई सडन चेंजेस आ गए तो क्या होता है, अगर मान लो कोई पैंडेमिक आ गई, ठीक है, मतलब वेरिएशन बहुत लेस होता है, और अगर उस लेस वेरिएशन में पैंडेमिक आ गई, तो अब एक बात बताओ, क्या वहां पे नेचुरल सिलेक्शन हो पाएगा? नेचुरल सिलेक्शन भी कब होता है? जब आपके वेरिएशंस बहुत हाई रहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कब होगा? जब वेरिएशन हाई रहते हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ी सी ही पॉपुलेशन है, तो वेरिएशन भी कम, वेरिएशन कम है, तो अगर मान लो कोई सडन पैंडेमिक भी आ गई, तो क्या होगा वहां पे, पूरी की पूरी पॉपुलेशन एंड हो जाएगी। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। फाउंडर इफेक्ट की बात करें तो सपोज ये क्या है आपका, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में ये कैसी पॉपुलेशन है आपकी? ओवर पॉपुलेटेड। कैसी पॉपुलेशन है आपकी? ओवर पॉपुलेटेड। ठीक है, अब इस ओवर पॉपुलेटेड पॉपुलेशन में यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक, इनको लगा भैया बहुत क्राउड हो रहा है, बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ से चलो मूव कर जाते हैं। क्या सोचा इन्होंने कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका रिसोर्सेज है वहां पे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से मूव करके कहीं चलते हैं। ठीक है, अब ये मूव करके आ गए, सपोज ये पॉपुलेशन यहाँ मूव करके आ गई। अब दो कंडीशन बनती है बेटा, ठीक है, देयर विल बी टू कंडीशन। हो सकता है कि ये पॉपुलेशन जहां गई हो वहां पे इनको क्या मिल जाए, डेंजर। क्या हो सकता है यहाँ पे? एक ये हो सकता है कि यहाँ कोई डेंजर हो। अगर इस पॉपुलेशन के लिए यहाँ डेंजर है, तो ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, एंड ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी,
एंड हो जाएगी. बट दूसरा काम क्या हो सकता है, ये पॉपुलेशन जहां पे गई वहां इसको मिल गया एक फेवरेबल कंडीशन. ठीक है, इसके फेवर वाला कंडीशन मिल गया जहां पे वो सारे रिसोर्सेस मौजूद थे जो इसको ग्रो करने के लिए चाहिए थे. तो अब ये थोड़ी सी पॉपुलेशन ही ग्रो करके क्या हो जाएगी, फ्लोरिश हो जाएगी, है ना, हो जाएगी. तो दो तरीके का काम हो सकता है यहाँ पे. तो फाउंडर इफेक्ट में हो क्या रहा है बेटा, बेसिकली माइग्रेशन हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे, माइग्रेशन हो रहा है. लेकिन बॉटल नेक इफेक्ट की बात करें तो यहाँ देखो होता क्या है, एक बना लो ऐसा बॉटल, बन गया. अब इसके तीन पार्ट हैं, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला और एक नेक वाले पार्ट. इफ देयर इज अ पॉपुलेशन, यहाँ पे मान लो सपोज एक पॉपुलेशन रह रही है, वो पॉपुलेशन क्या है, काफी सारी है. ठीक, आया समझ में. अब देखो यहाँ हुआ क्या, यहाँ ए वाला ये जो रीजन है, यहाँ मान लो चीता की पॉपुलेशन, ठीक है, कहाँ है ये आपका, साउथ अफ्रीका. अभी यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन थी, ठीक है, एकदम बढ़िया फ्लोरिश, सब कुछ अच्छा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ साउथ अफ्रीका में चीता की पॉपुलेशन काफी सारी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ समय बाद यहाँ पे हंटिंग होना शुरू हो गई. क्या हो गया, यहाँ पे हंटिंग होना शुरू हो गई, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी अगर यहाँ पे हंटिंग होने लगी, हंटिंग बाय ह्यूमंस. ठीक है, यहाँ आदमी पहुंच गए जंगलों में और क्या करने लगे, पोचिंग करना शुरू किया, हंटिंग होने लगे. तो अभी बेटा ये क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन देखो कम हो गई, डिक्रीज, ए वाले से ज्यादा कम हो गई पॉपुलेशन. ठीक है, अभी काफी सारी थी, अब क्या होने लगे, कम होने लगी. अब जो बची हंटिंग हुई रेड्यूस होती गई. अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कुछ ही पॉपुलेशन बची, कितनी पॉपुलेशन बची आपकी, थोड़ी सी. यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन बची, देखो थोड़ी सी पॉपुलेशन बची. अगर इस वाले पॉपुलेशन में, जो सी रीजन पे आपकी पॉपुलेशन है, ये क्या हो गया, चीता आपका रिड्यूस हो गया, चीता पॉपुलेशन इज रिड्यूस. हो गया बेटा रिड्यूस, ठीक है, यस. तब क्या होगा उस कंडीशन में, अगर अब इन दैट कंडीशन यहाँ पे वेरिएशन कैसा होगा, हाई वेरिएशन होगा कि लो वेरिएशन होगा, बताओ. लो वेरिएशन. वेरिएशन क्या होगा यहाँ पे, लो वेरिएशन. अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा आपका, लेस वेरिएशन. तो लेस वेरिएशन, ठीक है. अब इस लेस वेरिएशन में क्या हो गया ना, लेस वेरिएशन. अब देखो यहाँ क्या हो गया आपका, लेस वेरिएशन आया क्यों, ड्यू टू रिड्यूस पॉपुलेशन. जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा वेरिएशन क्या होंगे, कम होंगे. जितनी लार्ज पॉपुलेशन उतना ज्यादा वेरिएशन भी क्या होंगे आपके, ज्यादा. ठीक है, तो ड्यू टू रिड्यूस पॉपुलेशन भाई कम हो गया यहाँ. ठीक, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर इस टाइम पे कोई पैंडेमिक आ गई, क्या हो गया यहाँ पे, कोई पैंडेमिक आ गई, तो ये जो छोटी सी पॉपुलेशन है ये क्या हो जाएगी आपकी, एंड हो जाएगी. ठीक है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन एंड हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये पैंडेमिक किसी एक वेरिएशन पे ही काम कर रहे हो, क्योंकि वेरिएशन लेस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंडिंग भी होने के चांसेस है. ठीक है, क्लियर मैम. फेवरेबल कंडीशन के नीचे क्या लिखा है, फ्लोरिश. ओके मैम, ठीक, आई बात समझ में. तो ये आपके दो इफेक्ट हैं, फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. फाउंडर इफेक्ट में देखो बेटा क्या होता है, अगर कोई पॉपुलेशन है,
ठीक है, एक प्लेस है बहुत ओवर पॉपुलेटेड है, तो वहां पे कुछ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन थी जिन्होंने क्या सोचा कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ा है, तो हम कहीं और मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर गए, ठीक है, चलो ये कर गए माइग्रेट, लेकिन दो कंडीशन बनती है, वहां माइग्रेट किए और वहां पे उनको डेंजर मिल गया, ठीक है, कोई स्पीशीज थी मान लो एनिमल की ही, तो वहां गए जहां वहां उनको हंट करने वाले दूसरे लोग मिल गए, तो हंटिंग ज्यादा हो जाएगी, डेंजर मिला इनको यहाँ पे, तो जब हंटिंग होगी तो ये एंड हो जाएंगे, क्योंकि ये तो छोटी सी पॉपुलेशन खुद ही है ना, बहुत सारे तो है नहीं, लेकिन अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, सारे इनको वो रिसोर्सेस मिल गए जिसमें इनको ग्रो होना था, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे फ्लोरिश होना शुरू करेंगे, और फ्लोरिश हो जाएंगे तो क्या होगा आपका, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, आई बात समझ में? Yes, ma'am. फिर तुम्हारा एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो तुम्हारा बहुत पसंदीदा है, शायद नींद ना आए उसके बाद, तुम्हें बोर ना लगे, वो कौन सा है, हार्डी-विल्बर्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये बात किस पे करता है आपकी लार्ज पॉपुलेशन पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट किस पे बात कर रहा था, स्मॉल पॉपुलेशन पे, ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए बेटा, कभी कभी ना इसी से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्रू और फॉल्स वाले आते हैं ना, विच वन इज द करेक्ट वन इनकरेक्ट वन, तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, तो ये काम कहाँ पे करता है बेटा आपका, इना इसकी बात करेंगे यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन की, इन अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, इन अ लार्ज पॉपुलेशन में बात किसकी होती है यहाँ, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात करेंगे, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की, मतलब जीन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जीन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो हार्डी-विल्बर्ग ने स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई लार्ज पॉपुलेशन है तो जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा एज इट इज कॉन्स्टेंट बनी रहेगी, क्या बताया कि इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है, लेकिन कब, लेकिन कब, इफ पॉपुलेशन शोज, जब पॉपुलेशन क्या करेगा, इस तरीके का इफेक्ट शोज करेगा, तब तक ये क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट, कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, तो कौन कौन से इफेक्ट शो करेगा, पहली चीज तो मेटिंग कैसी होनी चाहिए, रैंडम, पहली चीज इन्होंने क्या बताई, रैंडम मेटिंग, ठीक है, कोई सर्टेन मेटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी ग्रुप कोई भी क्या कर रहा है आपका, रैंडम मेटिंग कर रहा है, ठीक, देखो रैंडम मेटिंग करने से होता क्या है, जैसे आपने रेसेसिव एक्स लिंक रेसेसिव जीन या कोई भी रेसेसिव वाली प्रॉब्लम सुनी है ना, वो कब होती है, जब रेसेसिव वाले में ही रहता है, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे एक पॉपुलेशन है जो क्या है आपकी, रेसेसिव डिजीज है, लेकिन इसकी शादी हर बार किससे हो रही है, ठीक है, मेटिंग किससे हो रही है, सॉरी मेटिंग किससे हो रही है हर बार, यहाँ जब मेटिंग हो रही है तो वो किससे हो रही है, स्क्वायर बना दो, मेटिंग किससे हो रही है, ये अगर डिसीज है लेकिन आपका एक्सलिंग डिसीज है, ठीक, लेकिन इसकी मेटिंग जो हो रही है वो किससे हो रही है, नॉर्मल इंडिविजुअल से हो रही है, तो एक बात बताओ क्या ये डिसीज एग्जिस्ट करेगी, बोलो इज दिस डिसीज विल एग्जिस्ट और नॉट, नो मैम, नो मैम, ठीक है, ये डिसीज जो है आपकी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो ये क्या है आपका, रैंडम मेटिंग का मतलब क्या है कि कोई किसी के भी साथ कर रहा है, लेकिन अगर इसका एक ग्रुप होता और ये कहता कि भाई इसी वाले ग्रुप के साथ करो बार बार मेटिंग, तो क्या हो जाता, हो सकता ये भी डिसीज रहते, इनमें भी ये रिसेसिव वाले जीन होते, तो दोनों मिलके अगली जनरेशन में क्या करेंगे, प्रॉब्लम कॉज करेंगे या नहीं करेंगे, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, पहली चीज, दूसरा क्या होना चाहिए कंडीशन आपका, नो म्यूटेशन, अगर उस लार्ज पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन नहीं होता है, अगर म्यूटेशन नहीं होता है तो भी क्या हो जाएगा आपका, नहीं चेंज होगा, ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या बनता है आपका, नो जीन फ्लो, जीन फ्लो का मतलब क्या है,
नो जीन फ्लो मतलब यहाँ जीन फ्लो से मतलब है माइग्रेशन। तो एक बात बताओ बेटा, अगर माइग्रेशन नहीं हो रहा है, ये कहीं और नहीं गए, तो क्या यहाँ की जीन फ्रिक्वेंसी, जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी चेंज होगी? नो मैम, नहीं चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही है, ना यहाँ पे कोई आया ना यहाँ से कोई गया। ठीक है, तो जो जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी आ रही थी, जो जो जीन प्रेजेंट थे, वो जीन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका कैसा वाला जीन था, ये वाला जीन था। ठीक है, रेड वाले के पास कौन सा जीन था, ये वाला जीन था। ठीक है, कोई एक और पॉपुलेशन है, उसपे कौन सा जीन है आपका, ये वाला जीन है। तो अभी जब तक यहाँ पे कोई आएगा नहीं या यहाँ से कोई जाएगा नहीं, तो क्या जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी चेंज होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो ये येलो वाला चला गया, ठीक है, तो क्या हुआ फिर, आपके इतने ही जीन बचे, ये वाला तो आउट हो गया। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे जब तक जीन फ्लो चेंज नहीं होगा, तब भी क्या होगा, आपकी जेनेटिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। दूसरा चीज, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई सडन चेंज ना आ जाए जब तक यहाँ, तब भी जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट होगी, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अगला क्या है आपका, नो रिकॉम्बिनेशन। क्लियर? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी, ठीक है? Am I audible now? Yes, ma'am. Next करें। ये चीज समझ में आ गई, यहां से आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक, चलो अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। तो इसका एक, आपके दो फॉर्मूले होते हैं, एक कौन सा होता है, पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस क्यू स्क्वायर, या आप टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इक्वल टू किसके होता है बेटा, वन के। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है जिसको हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी। तो जब जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी पूछेगा, तो हमको क्या पता है कि हमें ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। लेकिन एक आपका फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। कौन सा होता है आपका, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। इस वाली कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारा एलिलिक फ्रिक्वेंसी है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिलिक फ्रिक्वेंसी। फर्क क्या है, फर्क क्या है, अगर आपका जीन ये वाला कंडीशन या ये वाला कंडीशन या ये वाला कंडीशन की बात होती है, जब दो एलील साथ में रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है बेटा आपका, जीनोटिपिक। क्या कहलाता है, जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपकी कंडीशन कौन सी वाली होगी, आपकी कंडीशन अगर होगी कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिलिक फ्रिक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको, एलिलिक फ्रिक्वेंसी। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। तो अगर एलिलिक फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, तो हम क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बताओ जल्दी से, पी की या फिर क्यू। ठीक है, लेकिन अगर जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, तो हम या तो पी स्क्वायर निकाल ले, ठीक है, या तो क्यू स्क्वायर निकालेंगे, या तो फिर हम क्या निकालेंगे, टू टू क्यू। ठीक है, कभी भी पी क्यू नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टू पी क्यू। ठीक है, क्लियर इतना सबको? yes, अब स्क्वायर है क्या, व्हाट इज द पी स्क्वायर ओवर हियर, तो बताओ पी स्क्वायर क्या होता है आपका, जेनेटिक फ्रिक्वेंसी होती है ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट डोमिनेंट। यस, क्लियर है ना इतना सबको? यस मैम। एक अगर हम क्यू स्क्वायर की बात करें, तो क्यू स्क्वायर क्या होगा आपका, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव।
ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका, 2PQ। तो 2PQ क्या है बेटा आपका, हेटरोजाइगस रिसेसिव, हेटरोजाइगस रिसेसिव, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस, ठीक है। अगर पी की बात करें तो पी क्या है आपका, एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है। पी की बात आएगी तो पी क्या है आपका, एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और एलीलिक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्लियर है सबको? यस मैम। डोमिनेंट एलील, थोड़ी सी नींद खुल भी जाए इसलिए अभी तुम लोगों को मैं कराऊंगी क्या, मैं इक्वेशन भी करवाऊंगी, अरे वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। हाँ तो सही तो बोल रहा है का, क्या प्रॉब्लम है स्लाइड में, जो हमारा वर्ल्ड का इवोल्यूशन, जो हमारी वर्ल्ड की स्टोरी है वो क्या एक इवोल्यूशन की प्रोसेस है। सही बात है, एक ही दिन में थोड़ी ह्यूमन बीइंग क्रिएट हो गए, सबसे पहले अर्थ डेवलप हुई, फिर क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स बने, है ना। पहले एज अ जेनेटिक मटेरियल आपका कौन सा मॉलिक्यूल लिया जाता था, आरएनए, आरएनए क्या था हमारा, एज अ जेनेटिक मॉलिक्यूल था जो प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, चेंजेस आते गए और अभी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, डीएनए, डीएनए है ना। धीरे धीरे क्या हुआ है, एवोल्यूशन ही तो हुआ है, ठीक है। और दूसरी लाइन जो कह रहे हो, तो एवोल्यूशन क्या आपका नेचुरल सिलेक्शन है, बिल्कुल है नेचुरल सिलेक्शन, नेचर में वो लोग, अगर आप कोरोना की भी बात करो तो यहाँ पे भी क्या नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, बोलो, बिल्कुल है। इन द केस ऑफ कोरोना वो लोग सरवाइव कर रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अटैक किस पे हुआ है स्टार्टिंग में, या अभी भी जिनको प्रॉब्लम आई वो कौन थे, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, वीक है ना। जो सरवाइव कर रहे हैं वो, उनका इम्यून सिस्टम क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन है या नहीं, दो टाइप के वेरिएशन ऑफ लोग पाए जा रहे हैं यहाँ पे, yes. है ना, और उनमें से एक का सिलेक्शन हो गया। तो ये क्या हो रहा है आपका, नेचुरल सिलेक्शन ही तो है, ठीक। तो यही मैंने कल पूछा था कि पहले वेरिएशन आएगा या पहले आपका क्या होगा, पॉपुलेशन में वेरिएशन पहले आएगा या फिर नेचुरल सिलेक्शन। तो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है, हाँ तो एवोल्यूशन ही तो हो रहा है बेटा दोनों में, बताओ, दोनों में एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन ही तो है, नेचुरल सिलेक्शन इज द टाइप ऑफ एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन ही तो हुआ, चेंजेस आए, चेंजेस के बाद क्या हो गया, पॉपुलेशन में वेरिएशन था, चेंजेस आए, एक वाली आपकी स्पीशीज एग्जिस्ट हो गई, एक चली गई, एक एक्सटिंक्ट हो गई। एवोल्यूशन ही तो है, डायनासोर्स क्यों चले गए, नेचर ने कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट किया होगा, पहले तो हर जगह डायनासोर्स थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, चले गए। आई बात समझ में, तो इट इज द टाइप ऑफ एवोल्यूशन, ठीक। क्यों क्या है आपका, एलीलिक फ्रीक्वेंसी, किसकी बेटा, रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील, क्लियर सबको इतना यहाँ पे, यस मैम, ठीक है। क्वेश्चन दूँ अभी, यस मैम, यस मैम, क्वेश्चन करो सॉल्व, मेन प्रॉब्लम, और चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई आने चाहिए। यस मैम, यस, दोनों ही एवोल्यूशन, एवोल्यूशन है क्या, एक चेंजेस इन द लार्ज टाइम ऑफ स्केल, जो आपका चेंजेस आ रहा है वही तो एवोल्यूशन है। ऐसा थोड़ी होता है अभी हुआ और अभी सेलेक्ट हो गया, नहीं, जो आपने कल डीडीटी वाला पढ़ा है, मॉस्किटो रेपेलेंट वाला पढ़ा है, सालों तक ऐसा हुआ कि डीडीटी डाला गया, तब फिर क्या हुआ, पहले तो मच्छर सारे कम हो गए, लेकिन कहीं एक आध रह गए जो रेजिस्टेंस वाले थे, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन ग्रो हुई, और फिर अचानक से इतने सारे मच्छर देखने को मिले जो डीडीटी से रेजिस्टेंस वाले थे, ठीक है। तो सालों लग जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि अभी हुआ और कल ही हो जाएगा, ठीक है।
लार्ज टाइम स्केल पे ही तो हो रहा है दोनों, ठीक है। चलो बताओ, इफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इज 0.8, क्या है एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पी 0.8, कैलकुलेट द 2PQ। चलो जल्दी से करो, कैलकुलेट द 2PQ। द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज इफ द पॉपुलेशन इज 1000, ठीक है। इसमें कैपिटल ए, कैपिटल ए वाले कितने हैं 360, ठीक है। क्या स्मॉल ए, स्मॉल ए वाले कितने हैं 480। तो यहां पे कैलकुलेट करो एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। जब से कैलकुलेट करो, ठीक है, एंड वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में आंसर सेंड करो, ठीक, दोनों क्वेश्चन के। बाकी बच्चों का आंसर क्या आया भाई? तो काफी कम का आया और उसमें भी अलग अलग आया। फर्स्ट क्वेश्चन में पी दिया हुआ है बेटा, पी दिया हुआ है, 2PQ पूछ रहा है। तो अगर पी 0.8 है तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 से कैलकुलेट कर ले, क्यू कितना आएगा 1 माइनस 0.8, मतलब कितना 0.2, ठीक है। 2PQ निकाल लो, 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.32, यही आएगा 0.32 का आंसर आ गया। दूसरा आपका क्या कह रहा है, पॉपुलेशन टोटल दी हुई है बेटा 1000, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आपका, कैपिटल ए कैपिटल ए दिया है, स्मॉल ए स्मॉल ए दिया, लेकिन हेटरोसाइगस दिया है क्या? नो मैम, नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन 1 है। सॉल्यूशन 2 करते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम ये निकाल लें,
कैसे निकालोगे? इन दोनों को प्लस करोगे, ये तो दिया ही नहीं है। हेट्रोसाइजस दिया है क्या? नहीं दिया, तो क्या करोगे? 360 + 480, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे? क्या करोगे? 1000 से इस नंबर को पूरे को क्या कर दोगे? माइनस। क्या करोगे? इस पूरे को माइनस कर दोगे। क्लियर है? ठीक है, तो क्या निकल आएगा हमारा? हाइड्रोजन कितना आएगा? 160। कितना आया मैम? 160 आया, ठीक है। अब पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कैपिटल वाला दोनों, कैपिटल यस मैम, वाला वैल्यू आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका? प्लस हाइड्रोजन, कौन सा? पी क्यू, यही है टोटल, टोटल यही होता है ना फॉर्मूला। चलो ठीक है, जिन लोगों को कंफ्यूजन था देख लो। तो पी स्क्वायर वाली वैल्यू क्या है अब यहाँ पे? ये है पी स्क्वायर वाली वैल्यू, ठीक है। और ये कितना आ गया आपका? 160। तो 360 प्लस कितना होगा? हाफ इंटू 160 अपॉन 1000, करो कैलकुलेट कितना आएगा? 0.44। किसका किसका आ रहा है इतना? यस मैम, करके लिख दिया 0.44 आ रहा है। प्रतिभा का भी आ रहा है, रितिका का भी आ रहा है, किसी का तो 0.6 आ गया भाई। अब बताओ क्या करें? किसका आया है? आकाश का भी 0.44 आया। अभी क्लियर है सबको कैसे करना है? यस मैम, ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक, डन एवरीवन, क्लियर? यस मैम, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? यस मैम, इंपॉर्टेंट वन। नो मैम, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। आज ये चैप्टर खत्म ही करा देते हैं ना, कल से नया वाला शुरू करेंगे। लिमिटेशन, मजा आएगा क्या बात है ना? यू कैन डू इट, अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से बच्चे तो। चलो लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन मतलब क्या है आपका? हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन जो दिया गया है वो कब फेल हो जाएगा? तो अगर पॉपुलेशन में आ जाए कोई म्यूटेशन, पहली चीज क्या हो जाए यहाँ पे? कोई म्यूटेशन आ जाए, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कब आ जाएगा आपका? अगर रिकॉम्बिनेशंस बन जाएं, क्या हो जाए यहाँ पे? रिकॉम्बिनेशंस बन जाएं, है ना, दो जीन आपस में रिकम्बाइन कर जाएं। और क्या हो सकता है? अगर जीन माइग्रेट कर जाए, कोई आ जाए या फिर कोई दूसरा चला जाए यहाँ से, हो सकता है। और अगर यहाँ पे सडन चेंजेस आ जाए किसी स्मॉल पॉपुलेशन में, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, दैट मीन्स तो भी क्या होगा यहाँ पे? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिटेशन हो गई हार्डी-विनबर्ग की, बताओ। यस मैम, यस मैम। अभी एक आपका एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, किसका? प्लांट एंड एनिमल एवोल्यूशन का दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा टेबल बना हुआ है, है फॉलो एनसीईआरटी और देखो। यस मैम, है यस मैम, उसको यस कॉम्पैक्ट करके यहाँ पे लिखा रही हूँ, ठीक है। जब रीड कराऊंगी तो उसको वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो प्लांट एवोल्यूशन देखते हैं और देखेंगे इस वाली स्लाइड से, क्योंकि जगह कम पड़ जाए, कि प्लांट में इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक। तो देखो सबसे पहले जो एग्जिस्ट किए उनका नाम क्या था? क्लोरोफाइटा, लिख लो फिर बताओ। आज इस चैप्टर को एंड ही करा देना है ना? यस मैम। चलिए जी, प्लांट एवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। वो जो एक बड़ा सा चार्ट बना है ना, उसको बहुत ही इजी वे में देख लो कि क्या कह रहा है, ठीक। अब फिर वो देखोगे ना तो वो तुमको काफी क्लियर हो जाएगा।
तो पहला जो है आपका वो क्या बना, क्लोरोफाइट। पहला जो प्लांट बना वो क्या बना, क्लोरोफाइटा। ठीक है, अब इस क्लोरोफाइटा से दो ब्रांचेस निकली। क्या हुआ यहाँ, इस क्लोरोफाइटा से दो ब्रांचेस निकली। ठीक है, एक बना आपका क्या, ब्रायोफाइटा। क्या बना बेटा यहाँ पे, ब्रायोफाइटा। ठीक, यस ऋतिका पूछेगी जल्दी चैप्टर खत्म हो। लेकिन आकाश तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरी चैप्टर, आकाश चैप्टर पसंद है ना ये वाला, आकाश अच्छा बच्चा है। यस सबसे अच्छा बच्चा है ना, पूरा मेहनत से पढ़ता है, जितना माम पढ़ाती सारा मेहनत से पढ़ता है, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, फिर होता है आपको ट्रैकियोफाइट्स। फिर क्या आता है ट्रैकियोफाइट्स, अरे भाई सिमरन तो प्रीवियस स्लाइड चाहिए, लो सिमरन जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। यस मैम। डन, अब क्या आएगा आपका ट्रैकियोफाइट। तो क्या हुआ, क्लोरोफाइटा से दो ब्रांचेस बनी बेटा, ब्रायोफाइटा वाली और ट्रैकियोफाइट्स वाली। ठीक है, क्लियर, डन इतना। अब देखो ट्रैकियोफाइट्स की फिर से ब्रांचिंग होगी, क्या होगी ट्रैकियोफाइट्स की फिर से ब्रांचिंग होगी। ठीक, नीट जिनको निकालना है उनको कृपया करके बोरियत ना फील हो, उन्हें सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लाइकोपोड्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे बेटा यहाँ पे, लाइकोपोड्स बन जाएंगे। तो ट्रैकियोफाइट्स ने फिर से एक डिवीजन किया और क्या बना लिया, लाइकोपोड्स। अब ये जो लाइकोपोड्स है ये क्या बनाएंगे आपके, ये फिर से एक डिवीजन करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक, और ये क्या बनाएंगे आपके, रेनियलाइट। क्या बना लिया इन्होंने, रेनिया लाइट। ठीक है, फिर से डिवीजन करके ये बना लिया इन्होंने। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेनिया लाइट जो थे ये फिर से डिवाइड हुए। ठीक, और डिवाइड करके इन्होंने क्या बनाया, एक ब्रांच बनाई जिसका नाम क्या था आपका, सीरियोफाइटोन। क्या नाम था इसका, सीरियोफाइटोन। ठीक, अब ये क्या करेंगे आपके, फिर से छह पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे ये वाले, आगे जाके क्या करेंगे आपके, सिक्स पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, स्पेंसोपीडिया, फिर दूसरा वाला ब्रांच क्या कहलाएगा, फॉन्स। फिर तीसरा वाला ब्रांच क्या कहलाएगा आपका, गिंगेक्स। ठीक है, फिर क्या होगा, जेंटल्स। ये आपके क्या हो रहे हैं, प्लांट्स के डिवीजन। ठीक है, फिर बनेगा आपका कौन सा, कॉनिफर्स। क्या बन गए यहाँ पे, कॉनिफर्स बन गए। और फिर लास्ट वाला क्या बनेगा आपका, प्रो जिम्नोस्पर्म। क्या बना यहाँ पे, प्रो जिम्नोस्पर्म। क्लियर, अब ये जो प्रो जिम्नोस्पर्म है बेटा, ये करेंगे मतलब आगे जाके और डेवलपमेंट करेंगे, इनमें चेंजेस आएंगे, और ये क्या कहलाएंगे आपके, सीड फॉर्म्स। क्या कहलाएंगे, सीड फॉर्म्स। ठीक है, और ये सीड फॉर्म्स फिर से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कहीं कहीं पे डिवीजन हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, और कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, खुद ही वेरिएशन आके चेंज आ गया, जैसे यहाँ पे वेरिएशन आया। ठीक है, साइलोफाइटोन में क्या आया बेटा, यहाँ पे वेरिएशन आया है, और ये जो आपका प्रो जिम्नोस्पर्म था यहाँ भी वेरिएशन आया और सीड फॉन्स बन गए, और सीड फॉन्स की फिर से ब्रांचिंग हुई। ठीक है, कुछ चेंजेस आए और दो बन गए यहाँ पे, एक तो कौन सा बना आपका, डाइकोट। ठीक है, और एक क्या बना आपका, साइक्लिक्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में, बोलो। यस मैम। ठीक, ऐसी एनिमल का भी पढ़ लेते हैं। अब वो चार्ट खुला हुआ है क्या तुम्हारे सामने कॉपी में? यस मैम। यस मैम।
कि अब अगर इससे टैली करके उसको पढ़ोगे तो तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, नीचे से पढ़ना है ऊपर की तरफ। कैसे पढ़ना है? नीचे से ऊपर की तरफ। अभी एनसीईआरटी हाईलाइट अगर करवाऊंगी तो फिर तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, डन? यस मैम। कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। अभी आते हैं किस पे? एनिमल पे। ये चैप्टर के क्वेश्चन कहीं से भी पूछूं बनने चाहिए, वरना फिर तो तुम समझ लेंगे। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ पे रेप्टाइल से। इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, रेप्टाइल से। तो पहला सबसे शुरुआत कहाँ से हुई बेटा आपके? रेप्टाइल से। मतलब अब इस रेप्टाइल्स के डिविजन होंगे। ठीक है, तो ये रेप्टाइल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये रेप्टाइल क्या हो जाएगा आपका? दो पार्ट में डिवाइड। ठीक, पहला आपका क्या कहलाएगा? सौरप्सिडा। क्या कहलाएगा? सौरप्सिडा। दूसरा क्या कहलाएगा आपका? साइनप्सिडा। दूसरा क्या कहलाएगा? साइनप्सिडा। तो दो पार्ट बन गए रेप्टाइल्स के। ठीक है, बन गए। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये जो आपका सौरप्सिडा है, ये फिर से आगे जाकर के क्या करेगा? डिवीजन करना शुरू करेगा। ठीक है, फिर से जाएगा और आगे जाकर के क्या करने लगेगा? स्मॉल स्मॉल डिवीजन होंगे इसमें। तो यहां से क्या क्या बनेंगे आपके? टर्टल्स बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? टर्टल्स बन गए। फिर यहां से क्या बना आपका? लिजर्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, रेप्टाइल्स ही ना, लेकिन रेप्टाइल्स में कौन से वाले? सौरप्सिडा है या सनप्सिडा है? ये ऐसे फिर इसी में स्नेक भी बनेगा। स्नेक भी बन गया। ठीक है, फिर क्या बनेंगे आपके? चार्ट्रेस। ठीक, उसमें देखो सब डायग्राम भी बना हुआ है वहां पे चार्ट में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चिकोडोंट। क्या बनेगा? चिकोडोंट, दांत वाले। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस चिकोडोंट में क्या हो जाएगा आपका? क्रोकोडाइल। और क्या बनते हैं? एबिस, दैट मीन्स बर्ड्स। बर्ड्स से तो तुम पढ़ के आए होगे उसमें, क्लासिफिकेशन में, है ना, 11th में पढ़ा है ना सब। ठीक, क्लियर इतना? अब देखो सिनोप्सिडा से क्या बनता है बेटा? पैलिकोसोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पे? पैलिकोसोर्स। जो नेक्स्ट बना वो क्या बना? पैलिकोसोर्स बने। ठीक है, क्लियर? फिर क्या बना आपका? सरपसाइट्स। ठीक है, फिर क्या बने आपके? आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। अब ये इजी एक्सप्लेन हो गया चार्ट? Yes, ma'am. स्टार्ट करने में आसानी? Yes, ma'am. ठीक है, yes, ma'am. देखना होगा वो कहाँ देखेंगे? एनसीईआरटी में। ठीक, डन एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, yes, देखना है आपको तो आप कहाँ देखोगे? एनसीईआरटी। ठीक है, चलो दोनों स्लाइड क्लियर इजी ले लो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इस चैप्टर का लास्ट वन पढ़ लेते हैं। कैसे? अब ह्यूमन भी तो बने, ह्यूमन भी तो बने, अपने बारे में भी तो पढ़ ले थोड़ा सा। ठीक है, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई? सबसे पहले कहां फाइंड आउट किया गया? जो फॉसिल्स वगैरह मिले कहां देखा गया? सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है, Human evolution states that human develops from the primates or ape-like ancestor. कहां से हमारा डेवलपमेंट हुआ बेटा ह्यूमंस का?
प्राइमेट से बिल्कुल नोट करना है दीक्षा, स्क्रीनशॉट ले लो और कल ये आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है? अभी टाइम लगेगा ताकि आज, लेकिन कल ये नोट्स में होना चाहिए ताकि ये चैप्टर हो जाए, लेकिन समझ लो पहले, नोट करने पे मत जाना, समझो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक? तो ह्यूमन इवोल्यूशन स्टेट्स दैट ह्यूमन डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमेट्स और एप लाइक एंसेस्टर्स, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर, तो जो आपकी स्टडी होती है ह्यूमन इवोल्यूशन की वो क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है? करेगा फॉसिल्स के थ्रू, ठीक है? और प्रीहिस्टोरिक एंड लिविंग मैन क्या रह रहे थे, कैसे कर रहे थे, जो फॉसिल्स मिले उनके अकॉर्डिंग स्टडी करके ये पता चला कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ कैसे, कौन पहले आया फिर बाद में कौन आया, ठीक है? The fossils of pre-human and the ancestral human forms are obtained from widely diverse region of Africa. कहाँ मिला इनका fossils? Africa, Asia and Europe में. Europe. Okay? तो क्या पता चलता है कि ये जो human center of origin था वो कहाँ था आपका? Asia and Africa में सबसे ज्यादा develop थे, ठीक है? अब यहाँ पे जो pre-human evolution है वहां पे origin of mammals पढ़ते हैं और origin of primates, ठीक है? Clear? Carlos Linnaeus gave the scientific name Homo sapiens to man. किसने दिया Homo sapiens नाम? Scientific name क्या है हमारा? Homo sapiens. ठीक है? तो नाम किसने दिया? Linnaeus. The primate includes prosimians and the anthropoids. They are descendants from the small rodent-like or insectivorous mammal that evolved about 80 million years ago. हमारा जो descendants थे वो कौन थे? स्मॉल रोडेंट लाइक और इंसेक्टिवोरस मैमल्स जो कब बने थे? 80 मिलियन ईयर्स आगे, ठीक है? द मॉडर्न मैन पजेस द फॉलोइंग स्पेशल फीचर व्हिच हैव बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बने थे, हमने क्या किया? एडेप्टेशन किया, ठीक है? धीरे धीरे हमने स्पेशल फीचर्स डेवलप होते गए, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं मॉडर्न मैन के, ठीक? जैसे बायपेडल लोकोमोशन हुआ, ठीक है? हाथ पैर का बनना, लार्ज ब्रेन बनने लगे, ठीक है? हैंड्स एंड फीट्स अलग अलग डेवलप होने लगे, इरेक्ट पोस्चर बनने लगा. ये सब का स्क्रीनशॉट लेना है. अच्छा ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो. डन मैम. फटाक से डन मैम. यस मैम, डन. ठीक, फिर आपका बाइनोकुलर विजन, ठीक है? सेंसिटिविटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप में आके रहना शुरू हुआ, ठीक है? स्पीच डेवलप हुई, फेस का फ्लैटनिंग, फेस जो था वो क्या था? ऐसे आगे निकला, प्रोट्रूडेड था, फ्लैट होना शुरू हुआ, ठीक है? बॉडी हेयर जो थे वो कम होने लगे, ठीक है? नोज जो थी उसका एलिवेशन होने लगा, हाइट इंक्रीज होने लगी, ठीक है? ब्रो आईब्रोज के जो रिजेस थे वो रिडक्शन होने लगा इनका, ठीक है? क्रेनियम आपका राउंड और इनलार्ज होने लगा. क्रेनियम मतलब आपका ये हेड वाला पार्ट, ठीक है? जो पेल्विक क्रेडल थे आपके वो क्या होने लगे? बोल लाइक फॉर्म में आ गए. चिन का फॉर्मेशन हो गया, पहले चिन नहीं था, धीरे धीरे चिन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? तो ये पहले कैसे थे आपके? प्रियर टू एप मैन, ठीक है? ये एप मैन को क्या माना जाता है आपका? प्री हिस्टोरिक मैन. ट्रू मैन इंक्लूडिंग द लिविंग मॉडर्न मैन. ट्रू मैन मतलब क्या होता है आपका? जो लिविंग मॉडर्न मैन है उसको क्या माना जाता है? ट्रू मैन. स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, चेक द स्क्रीनशॉट. डन मैम. यस मैम. प्रियर टू एप मैन, ठीक है? अब एप मैन के पहले कौन कौन से थे आपके? तो प्रो लियो, कौन सा आपका? प्रोप्लियोथिकस, ठीक है? इनका क्या था? ये आपका कौन से पोच में आए थे? इजिप्ट में, ओलिगोसीन में, ठीक है? तो इनको ओलिगोसीन एप्स बोला जाता है. एवोल्यूशन कब हुआ इनका? 30-35 मिलियन ईयर एगो, ठीक है? फिर अजप्टोपिथिकस, ये इनका एवोल्यूशन कब हुआ आपका? लेट ओलिगोसीन में और मायोसीन पोच में, ठीक है? मतलब ओलिगोसीन खत्म हो रहा था, मायोसीन शुरू हो रहा था तब, तो इनको मायोसीन एप्स बोला जाता है. ड्रापोथिकस, ये क्या एवोल्यूशन कब हुआ बेटा? 15-20 मिलियन ईयर एगो, ठीक है? डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे एप्स एंड मैन. दे वर
forest dwellers, spending most of the time on the trees. Origin and evolution of the Miocene epoch. कब हुआ है इनका? Miocene epoch में इनका भी हुआ है. पोजीशन कैसी थी इनकी? सेमी-इरेक्ट, तो पूरी तरह से सीधे खड़े नहीं थे, लेकिन सीधे खड़े होना शुरू हो गए थे. क्वाड्रपेडल लोकोमोशन था, फोर लिम्स लॉन्गर थे हिंड लिम्स से, ठीक है. हाथ जो थे वो क्या थे? पैर से ज्यादा लंबे थे. हेयर ग्रोथ कैसी थी? थिक थी. यू शेप के जॉस थे, टीथ लार्जर एंड शार्पर थे, और बाय नेचर ये कैसे थे? वेजिटेरियन एंड फूड ईटर. क्लियर? यस मैम. डन. स्क्रीनशॉट लिया? यस मैम. यस मैम. फिर आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, फर्स्ट एप मैन है. एप मैन के पहले वाला हो गया, फर्स्ट एप मैन आ गया, ठीक है. इनका फॉसिल स्कल कहाँ मिला आपका? 5 to 6 ईयर ओल्ड बेबी फ्रॉम द ओल्ड पीलियोसीन रॉक ऑफ द टुआंग रीजन, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है. इसका नाम क्या रख दिया गया? टुआंग बेबी, ठीक है. लेटर ही नेम्ड एज ए अफ्रीकनस, क्योंकि अफ्रीका में मिला था. कितने साल पहले? 3 to 2 million ईयर्स है वो, ठीक है. ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में यहाँ पे ये रहते थे. एविडेंस से क्या मिलता है कि ये हंट करते थे किससे? विद द हेल्प ऑफ स्टोन. क्रैनियल कैपेसिटी अब देखना, ठीक है, 350 to 480 cc, ठीक है, बढ़ती जाएगी. क्रैनियल कैपेसिटी क्या होती है? हमेशा बढ़ती जाती है, ठीक है. इसके काफी सारे कैरेक्टर जो थे वो मैन एंड एप से मिलते जुलते थे, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है एप्स एंड मैन के बीच का. फिर आता है आपका होमो हैबिलिस. अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है. प्लियोस्टीन में 2 to 1.7 million ईयर्स आगे मिले. क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है? 735. देखो बढ़ गई, 350 to 480 से 735 हो गई. फर्स्ट फॉसिल मैन क्या बोला जाता है बेटा इनको? फर्स्ट फॉसिल मैन. यूज टूल्स ऑफ द चिप्ड स्टोन एक्सटेंसिवली. तो सबसे पहले स्टोन से टूल किसने बनाया? होमो हैबिलिस. ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. होमो इरेक्टस की बात करें तो मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड में पाए गए, ठीक है. फर्स्ट फॉसिल यहाँ का डुबोइस में मिला 1891 में. दूसरा यहाँ पे इसी से सेम मिलता जुलता कहाँ मिला? केव नियर पैकिंग चाइना में, ठीक है. और होमो इरेक्टस जो थे इनके 3 फॉसिल्स मिले, जावा एप में, पैकिंग मैन एंड द हेडलबर्ग में. 3 फॉसिल्स अलग अलग मिले. क्लियर? ठीक. देखो जावा मैन जो है होमो इरेक्टस इरेक्टस कहलाता है. प्लियोसीन में मिला इसका भी आपका 5 million ईयर्स है वो. क्रैनियल कैपेसिटी कितनी हो गई यहाँ पे? 940 cc, ठीक है. मोर देन 5 feet टॉल विद स्केल्टन मसल लाइक आर्स. क्या था ये? 5 feet से ज्यादा लंबा इसका स्केल्टन मसल पाया गया है. फोरहेड कैसा था? लो एंड स्लैंटी. द फेस वॉज Prognathus and the jaw were massive with the huge teeth. The chin was absent. Chin अभी बनना develop नहीं हुई. Bony eyes are present. अच्छा, और इन्होंने भी क्या किया? Construction of tools and knew how to lit fire. यहाँ से पूछा जाता है question. ठीक है, तो कभी कभी सीधे आता है आपका Java man और कभी कभी option में दिया रहता है Homo erectus. तो Homo erectus का ही type है ना ये, कि fire किसने introduce की, ठीक है. ईटिंग हैबिट कैसी थी? ओमनिवोरस थे, ठीक है. कैनिबल एंड हैड लार्ज प्रोट्रूडिंग जॉ. जॉ बड़े बड़े थे और यहाँ पे केनाइंस भी पाए जाते थे. फर्स्ट प्रीहिस्टोरिक मैन टू मेक यूज फायर फॉर हंटिंग, डिफेंस एंड कुकिंग, ठीक है. ये यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं तुम्हारे, और क्रैनियल कैपेसिटी से, ठीक है. फिर आपका दूसरा टाइप कौन सा है? पैकिंग मैन, ठीक है. 5 to 2 million ईयर्स है वो. हैवी बोनी आईब्रोज रिजेस थी, लो स्लैंटिंग फोरहेड एंड चिनलेस फेस. चिन अभी डेवलप नहीं हुआ. क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ी है आपकी, 850 to 1200 एंड एवरेजिंग 1075 cc. हैडलबर्ग जो था आपका वो कैसा था? जॉ लार्ज थे, हैवी एंड लैकिन चिन अभी चिन नहीं बनी. लेकिन क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है बेटा? 1300. देखो क्रैनियल कैपेसिटी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है. टीथ जो थे वो क्या थे आपके? मॉडर्न मैन के जैसे थे. अभी एकदम जो निकला हुआ हिस्सा था ना प्रोट्यूडेड, वो देखो चेंज होता गया, ठीक है. हेडलबर्ग इज रिगार्डेड एज एंसेस्टर ऑफ नियंडरथल मैन, ठीक है, एंड कंटेम्पररी टू होमो इरेक्टस, ठीक है. ये आगे चल के क्या किसमें चेंज हुए आपके? अर्ली होमो सेपियंस में, ठीक है. फॉसिल्स कहाँ कहाँ पाए गए इसके? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका.
और दीज आर हेडलबर्ग मैन, नियंडरथल मैन, सोलो मैन एंड द रोडेशियो मैन. ठीक, नियंडरथल फॉसिल्स जो थे वो आपके कहाँ पाए गए? नियंडरथल वैली इन जर्मनी. ठीक, द स्कल बोन वर थिक, फोरहेड वाज लो एंड स्लैंटिंग. धीरे धीरे फोरहेड जो आगे ऐसे निकला होता वो धीरे धीरे फ्लैट स्लैंटिंग होता गया. आईब्रोज रिजेस जो थी हैवी थी. जॉ वाज डीप विथ नो चिन, अभी चिन डेवलप ही नहीं. क्रैनियल कैपेसिटी क्या है आपकी? 1456. ठीक है, बट इट इज लोअर एंड पोस्टीरियर पोर्शन वर लार्जर देन द अपर एंड एंटीरियर पार्ट. ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटी बड़ी लेकिन लोअर वाला जो था आपका पोस्टीरियर पोर्शन जो था वो लार्जर था अपर वाले से और इंटीरियर पार्ट से. ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ रही है, क्वाइट इंटेलिजेंट. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यूज किया जो टूल बनाए गए. दे बरीड देयर डेड एंड दे कुड परफॉर्म क्रिमिनाइज एज वेल एज कंस्ट्रक्टेड हट लाइक ड्वेलिंग स्ट्रक्चर. इन्होंने काफी सारे ड्वेलिंग स्ट्रक्चर बनाए. ठीक है, फिर आता है क्रोमैग्नॉन. फॉसिल्स कहाँ मिले? 1868 फ्रॉम क्रोमैग्नॉन रॉक्स ऑफ फ्रांस, मैकग्रेगर. द क्रैनियल कैपेसिटी कितनी हो गई अब देखो, 1650. फर्स्ट स्टार्टेड केव पेंटिंग. तो अभी केव पेंटिंग वाला अगर पूछा जाएगा तो कौन से हैं आपके? क्रोमैग्नॉन. एज वेल एज हंटिंग विद द डोमेस्टिकेटेड डॉग्स. तो डोमेस्टिकेशन भी शुरू किया इन्होंने. कैसे थे, फीडिंग हैबिट कैसी थी? ओमनिवोरस. ठीक है, और अपने एक्सप्रेशन देना शुरू किया इन्होंने किसके थ्रू? पेंटिंग एंड स्कल्पचर के थ्रू. ठीक है, क्लियर? अभी तक क्या था? एक्सप्रेशन नहीं था, अब इन्होंने एक्सप्रेशन देना शुरू किया. मॉडर्न मैन की बात करें तो क्या आपका होमो सेपियंस सेपियंस आपका 1 मिलियन ईयर्स एगो इन एशिया नियर कैस्पियन सी. दे हैव क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1300 to 1600 सीसी. डेवलप्ड साउंड इनटू वर्ड्स, स्पीच स्टार्ट हुई. ये आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्लाइड, जिसमें क्या दिया हुआ आपका? प्राइमेट्स दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ बेटा? इनकी क्रैनियल कैपेसिटीज दी हुई है. स्क्रीनशॉट लेते गए हो या नहीं? यस मैम. यस मैम. इसका डू द स्क्रीनशॉट. डन मैम. डन. ठीक है, ये आपका लास्ट था. तो अभी कल उम्मीद क्या रखूं तुमसे? फुल चैप्टर, हाफ चैप्टर, व्हाट डू यू वांट? क्वेश्चन करा लें? यस मैम. यस मैम. फुल चैप्टर ले लें? यस मैम. क्वेश्चन करवाऊं कल? वहीं पे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे. जब क्वेश्चंस करोगे ना देन यू विल फाइंड आउट की क्वेश्चन आ कहां रहे. कल फुल चैप्टर के क्वेश्चन करवाएं? Yes, ठीक है. हालांकि कल मुझे न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस कराना है, बट कल देखते हैं. दोनों से एक काम हो सकता है, चैप्टर पढ़ के आना पहले, ताकि तुमको ना ये थोड़ा सा चैप्टर में दिक्कत भी जा रही है ना. दिक्कत तो कोई नहीं है, खैर इजी है, लेकिन वही है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा. क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा. ठीक, तो कल करेंगे हम क्वेश्चन. ठीक है ना? यस मैम. चलो, और किसी को कोई डाउट यहाँ से? आज ये चैप्टर डन ही हो गया फाइनली. yes, बताओ, कोई डाउट किसी को? नो मैम. नो मैम. यस, कल क्वेश्चंस करवाइए. ठीक है. व्हाट? नो मैम. तनिष्का, क्वेश्चन नहीं करवाए या डाउट नहीं है? डाउट रिडक्शन होने लगा भाई पॉपुलेशन में, क्यों हो रहा है बताइए जरा. अभी सर आएंगे पढ़ाने. आज किस चीज की क्लास है? फिजिक्स. फिजिक्स की सर आएंगे ना, तो जान रहे हो फिजिक्स नहीं पढ़ना, सब बनता है तुमसे, कोई जरूरत नहीं है. हाँ, और कल तो मैम भी सेकंड स्लॉट में आएंगी, तो फिर पढ़ोगे नहीं? सेकेंड स्लॉट में क्लास लगेगी तो पढ़े. आकाश बोल रहे रितिका की ख्वाहिश पूरी हो गई कि अभी विश पूरी, चैप्टर खत्म. हाउ वाज योर फीलिंग रितिका? अच्छा, कौन कौन खुश है कि चैप्टर खत्म हो गया? चलो बताओ, आंसर करो. मैम किसका आंसर करो कि कौन कौन खुश है कि चैप्टर फिनिश आज, एक और चैप्टर खत्म. यस,
अरे उज्जवल भी, आज तो उज्जवल ने अब भी हैंड रेस किया, बस कहाँ थी भाई? शारीरिक खुश हो भाई, ऐसा क्या था चैप्टर में खत्म होने की इतनी खुशी? जिज्ञासा भी खुश, सही है। अच्छा कि चैप्टर खत्म हो गया, कितने चैप्टर कर लिए हम लोगों ने? सेवन चैप्टर हो गए। यस सही, यस बड़े फास्ट हो तुम। और स्कूल में कितना हो गया? मैम टू चैप्टर। मैम थ्री। मैम फोर। तुम सब बनने लगा तुमसे तो सिक्स हुए हैं ना? यस मुझे भी ऐसा लगता है सिक्स हुए हैं। मैम सिक्स ही हुए हैं अभी। हाँ हमारे पूर्वज मंकी। देखो जिज्ञासा को ही चैप्टर अच्छा लगा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहते, और क्वेश्चंस भी आते हैं बढ़िया से भर भर के। ठीक है तो पढ़ना जरूरी है भाई। नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर दिया हुआ है? मैम बस इतना ही है सिलेबस। कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा दिया हुआ है तुम्हारा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये लास्ट चैप्टर था? ये कौन बोल रहा है ये लास्ट चैप्टर था? मैम लास्ट में, लास्ट में एक और चैप्टर था। ये कहना चाह रहे हो क्या? नो मैम। हाँ मैम चैप्टर नाइन्थ भी है। मैम चैप्टर नाइन्थ भी है अभी। वॉइस ही नहीं आ रही है। मैम चैप्टर नंबर नाइन भी है। अच्छा जेनेटिक एंड एवोल्यूशन का ये लास्ट चैप्टर था। यस यस हाँ, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन वाले सेगमेंट का आज द एंड हो चुका है। ठीक है होप सो बनता हो आप लोगों से। ठीक तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज शुरू करेंगे अभी, ताकि तुम लोग जान सको अपनी हेल्थ के बारे में। यस ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है ना, नेक्स्ट ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो सर आएंगे, जाना नहीं है भाई किसी को। ठीक है जाना किसी को नहीं है। ठीक कहो तो मैम बैठी रहे देखती रहे तुम्हें, कोई जाएगा नहीं। फिजिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर फिजिक्स में ही ना पढ़ते नहीं हो शुरू में, फिर लास्ट में बोलो फिजिक्स बन ही नहीं रहा था, तो भाई पढ़ा नहीं तो बनेगा तो नहीं, बिना पढ़े तो नहीं बनने लगेगा। इट नीड्स प्रैक्टिस, और किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं ना, प्रैक्टिस किया फिर शिकायतें करोगे। ओशन तुम भी क्लास में हो क्या? कुछ बच्चे पहले बड़े एक्टिव रहते थे, अभी नहीं हो एक्टिव, क्यों भाई? ठीक है कल ये वाला चैप्टर सब तैयार करके आएंगे, कल क्वेश्चन करेंगे, जाना नहीं कोई, सारे बैठ के फिजिक्स अच्छे से पढ़ोगे, क्या पढ़ा है कल पूछूंगी। ठीक है चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, दो तीन मिनट रेस्ट ले लो, पांच मिनट फिर बैठ के पढ़ना। ठीक है फिजिक्स, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.